हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं एसिडिटी फिजियो। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्थोपेडिक असेसमेंट के बारे में बात किया था। वहां पर हमने देखा था कि किसी भी ऑर्थोपेडिक केस में हम किस तरह से पेशेंट को असेस करते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें पेशेंट से लेना होता है ताकि हम एक सटीक फाइनल डायग्नोसिस पे पहुंच सके। अगर हमारा फाइनल डायग्नोसिस सही नहीं होगा तो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सही नहीं होगा और हमारा पेशेंट कभी भी रिकवर कर ही नहीं सकता। इसलिए असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वन ऑफ द वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द पेशेंट्स ट्रीटमेंट। क्लियर। तो आज इस लेक्चर में हम न्यूरोलॉजिकल केसेस में किस तरह से असेसमेंट करते हैं, किसी भी न्यूरो के कंडीशन को किस तरह से चेकअप करते हैं, उसके बारे में जानेंगे कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखना है ड्यूरिंग द न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारा डेमोग्राफिक डेटा आता है। ये डेमोग्राफिक डेटा मैंने लास्ट लेक्चर ऑर्थोपेडिक असेसमेंट में भी डिस्कस किया था डेमोग्राफिक डेटा के बारे में। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला डेट ऑफ विजिट ऑफ पेशेंट, पेशेंट हमारा किस दिन आ रहा है हमसे मिलने कंसल्ट करने, वो है। उसके बाद फिर नेम ऑफ द पेशेंट, एज, सेक्स, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन, ये सभी चीज का इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करना है पेशेंट से। और क्यों करना है कलेक्ट, इसका लॉजिक बिल्कुल सेम है जो लॉजिक मैंने ऑर्थोपेडिक असेसमेंट में दिया था। जैसे एज और सेक्स, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा डिजीज, बहुत सारा कंडीशन ऐसा होता है जो कि एज और सेक्स स्पेसिफिक होता है। खासकर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में आप जब ओल्डर एज के, जब आप किसी ओल्ड एज पेशेंट का एमआरआई रिपोर्ट देखोगे तो उसमें क्लियरली मेंशन रहता है बहुत जगह कि एज रिलेटेड सेरेब्रल एट्रोफी, यानी कि एज बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है न्यूरोलॉजिकल केसेस में। ठीक है, तो एज और सेक्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे कंडीशंस, बहुत सारे केसेस एज और सेक्स स्पेसिफिक भी होते हैं। एड्रेस और ऑक्यूपेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें यह जानना है कि हमारे पेशेंट का दिनचर्या क्या है, वो किस तरह के सराउंडिंग में, वो किस तरह के इन्वायरमेंट में अपना अपना पूरा दिन निकालता है। क्योंकि एक सराउंडिंग, एक जो इन्वायरमेंट है वो भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है पेशेंट के ऊपर, पेशेंट के न्यूरोलॉजिकल केसेस में या फिर पेशेंट के ऑर्थोपेडिक केसेस में। ठीक है, तो इसलिए एड्रेस और ऑक्यूपेशन भी लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद हमारा मेन कहानी शुरू होता है चीफ कंप्लेंट। यहाँ से चीफ कंप्लेंट्स में हमें वो मेंशन करना है जो हमारे पेशेंट को दिक्कतें आ रही हैं, बिल्कुल उसी लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में हमें पेशेंट बता रहा है। यहाँ पे कोई भी टेक्निकल टर्म नहीं डालना है, कोई भी मेडिकल एक्स्ट्रॉर्डिनरी टर्म हमें नहीं मेंशन करना है अपनी मर्जी से। जो पेशेंट हमें बता रहा है एज इट इज, उसी को हमें यहाँ पर मेंशन करना है चीफ कंप्लेंट्स के अंदर में। क्लियर। यहाँ तक ये सारा डिस्कशन तो हमने ऑर्थोपेडिक केसेस में भी किया था। अब इसके बाद आगे आते हैं हिस्ट्री। सेकेंड इज हिस्ट्री। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है वो कोई भी केस हो। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि हिस्ट्री वो ऑर्थोपेडिक का केस हो, वो न्यूरो का केस हो, गाइनी का केस हो, पीडियाट्रिक्स का केस हो, हर एक केस में हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हिस्ट्री से हम एक अच्छे डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं, एक सही डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं, ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमें। क्लियर। तो हिस्ट्री में सबसे पहला हमारा है प्रेजेंट हिस्ट्री, यानी कि अभी जो पेशेंट को कठिनाई है। एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि हमारे पेशेंट को हेडेक का प्रॉब्लम है, पेशेंट हमारे पास आके हेडेक कंप्लेंट कर रहा है, तो उस हेडेक के बारे में हम यहाँ पे पूछेंगे पेशेंट से, हम जानेंगे, इन्फॉर्मेशन निकालेंगे पेशेंट से कि ये ऑनसेट यानी कि हेडेक कैसे हुआ, उसको कब से शुरू हुआ, उसका ड्यूरेशन क्या है, क्या वो लंबे समय तक होता है, वो 2400 घंटे होता है या कोई एक स्पेसिफिक टाइम पे होता है, उसके साथ साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स में क्या हो सकता है। अगर हेडेक की बात करो तो क्या हेडेक के साथ वॉमिटिंग टेंडेंसी आ रहा है पेशेंट को, अगर वोमिटिंग टेंडेंसी आ रहा है तो फिर हमारा जो असेसमेंट है वो दूसरी तरफ मुड़ जाएगा। अगर क्या पेशेंट फेंट कर रहा है, फेंटिंग आ रहा है पेशेंट को, सर दर्द होता है, उसके साथ पेशेंट को चक्कर आता है क्या, ये सब हमें जानना है कि एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या है। इसके बाद जो हमारा हेडेक है, हेडेक का नेचर, किस नेचर का हेडेक है, वो किस टाइप का हेडेक है, वो थ्रॉबिंग है, पिंचिंग है, झंझनाहट होता है, किस तरह का हेडेक होता है, क्या हेड के एक किसी पर्टिकुलर रीजन में दर्द होता है या पूरे के पूरे सर में दर्द होता है, क्या कोई ट्रिगर टाइम है हेडेक होने का, क्या रात में दर्द होता है स्पेसिफिक, या कोई स्पेसिफिक टाइम है सर दर्द होने का, या फिर धूप में जाने पर सर दर्द होता है, या बहुत शोर शराबा या हल्ले में आने पर दर्द होता है। तो ये सब हमें जानना है कि जो पेशेंट का प्रेजेंट कंप्लेंट है उस कंप्लेंट के बारे में हर एक चीज हमें जानना है। इसके बाद हमारा आता है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में हमें ये जानना है कि प्रीवियसली, अभी आने के प्रीवियस में अभी तक कभी भी किसी तरह का मेडिकल कंडीशन कोई रहा है क्या, किसी भी तरह का मेडिकल कंडीशन, वो हमारा हाइपरटेंशन हो सकता है, वो हमारा डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, वो हमारा थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, हाइपोथायराइड और हाइपोथायरायडिज्म, ये सब हो सकता है। तो किसी तरह का कोई मेडिकल कंडीशन रहा है क्या पास्ट में, ये हमें जानना है। अगर रहा है तो उसमें मेडिकेशन, कौन कौन सा मेडिकेशन चला है, और प्रेजेंट में भी क्या कोई
मेडिकल कंडीशन है पेशेंट का, अगर हाइपरटेंशन है तो किस तरह की दवाइयाँ, कौन कौन सी दवाइयाँ चल रही हैं, अगर डायबिटीज मेलाइटस है तो उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ चल रही हैं, तो प्रेजेंट में भी कोई मेडिकल कंडीशन है या फिर पास्ट में कोई मेडिकल कंडीशन रह चुका है वो हमें जानना है। इसके बाद कोई ट्रामा या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है क्या पेशेंट के साथ पास्ट में या फिर अभी, ये जानना है। न्यूरोलॉजिकल केसेस में बहुत बार देखा जाता है कि हेड इंजुरी जो होता है ट्रॉमा के कारण, तो वो ट्रॉमा या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण हेड इंजुरी होता है, उसके कारण बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं पेशेंट के बॉडी में, तो इसलिए ट्रॉमा या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद हमारे पास अगला, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशंस था क्या, कोई हो सकता है टीबी का इन्फेक्शन रहा हो पेशेंट के बॉडी में, किसी भी तरह का कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन रहा हो, तो वो हमें जानना है कि कोई पैथोलॉजिकल कंडीशंस था क्या पास्ट में या प्रेजेंट में भी कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन परसिस्ट कर रहा है या नहीं, क्लियर। उसके बाद हमारा आता है सर्जिकल हिस्ट्री, नेक्स्ट इज सर्जिकल हिस्ट्री। सर्जिकल हिस्ट्री में हमें यह जानना है कि पास्ट में कोई सर्जरी हुआ था क्या पेशेंट का, एनी सर्जरी इन द पास्ट, यस नो, ठीक है। अगर यस कोई सर्जरी हुआ था तो किस तरह का सर्जरी हुआ था, डिटेल्स ऑफ सर्जरी में हमें ये जानना है कि कौन सा सर्जरी हुआ था, किस लोकेशन का सर्जरी था, वो कब हुआ था, उस सर्जरी के दौरान कौन कौन सी दवाइयाँ चली थी। खैर ये कौन कौन सी दवाइयाँ चली थी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सर्जरी कब हुआ था, ड्यूरेशन कब था सर्जरी का और किस चीज़ का सर्जरी हुआ था, ये जानना बहुत जरूरी है प्रेजेंट असेसमेंट और प्रेजेंट ट्रीटमेंट के लिए, क्लियर। उसके बाद सर्जिकल हिस्ट्री के बाद हमारा आता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में हम ये जानेंगे कि क्या किसी तरह का हेरिडिटरी या कोई जेनेटिक डिजीज है पेशेंट के बॉडी में, ये मैंने डिजीज दो बार लिख दिया है, एक बार डिलीट कर दीजिए इसे, किसी तरह का जेनेटिक डिजीज है, कोई हेरिडिटरी डिजीज पेशेंट के फैमिली में चलता आ रहा है क्या, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जेनेटिक डिजीज हैं जो कि पास ऑन होते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, तो वो हमें जानना है, कुछ उससे एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं क्या पेशेंट के बॉडी में। उसके बाद पर्सनल हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री में हमें यह जानना है क्या कि पेशेंट को किसी भी ड्रग, सिगरेट या अल्कोहल का एडिक्शन है प्रेजेंट में है या पास्ट में रह चुका है क्या, क्योंकि खासकर न्यूरोलॉजिकल केसेस में ये एडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि ड्रग, सिगरेट और अल्कोहल एडिक्शन ये डायरेक्टली हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन पर ही इफेक्ट करते हैं, इसीलिए ड्रग, सिगरेट और अल्कोहल एडिक्शन इन सभी के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्लियर। उसके बाद अगर ये एडिक्टेड थे, हमारा पेशेंट एडिक्टेड था तो फ्रीक्वेंसी क्या था, फॉर एग्जांपल अगर सिगरेट से एडिक्टेड था तो वो कितना सिगरेट कंज्यूम करता था पर डे, पर वीक, पर मंथ, ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी हमें जानना है। और अभी भी अगर पेशेंट एडिक्टेड है तो क्या फ्रीक्वेंसी है, वो कितना सिगरेट कंज्यूम कर रहा है या फिर कितना अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, ये सभी चीजें हमें जाननी है, क्लियर। तो ये है, ये हमारा हिस्ट्री हुआ, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड करने में बहुत हेल्प होता है, बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है, क्लियर। हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद अब अगला हमारा आता है बहुत इंपॉर्टेंट, ऑन ऑब्जर्वेशन। आप पेशेंट को ऑब्जर्व करोगे कि पेशेंट कैसा, उसका कंडीशन आपको दिख रहा है। सबसे पहला पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, सबसे पहला गेट पैटर्न। गेट पैटर्न हमें बहुत कुछ बता सकता है, अगर आप सही से किसी पेशेंट के गेट पैटर्न को आप ध्यान दो, आप उसे सही से देखो अगर, तो गेट पैटर्न पेशेंट का एक एक चीज आपको बता सकता है कि उस गेट पैटर्न, अगर ऐसा गेट पैटर्न है तो कौन सा कंडीशन हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हम गेट साइकिल और जो भी पैथोलॉजिकल गेट हैं उन्हें अच्छे से स्टडी करते हैं। अगर इसमें कोई डाउट होगा आपको पैथोलॉजिकल गेट्स में तो आप बताइएगा, मैं इस पर सेपरेट वीडियो, अलग अलग केसेस के अकॉर्डिंग हर एक केस का अलग अलग गेट का वीडियो मैं आपको बनाकर दे दूंगा, क्लियर। तो गेट पैटर्न किस तरह से जरूरी है, किस, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल एक हमारा होता है सर्कमडक्टरी गेट। सर्कमडक्टरी गेट अगर आप देख रहे हो पेशेंट का सर्कमडक्टरी गेट है, तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि जरूर हो सकता है कि ये पेशेंट हेमिप्लेजिक है, क्योंकि हेमिप्लेजिया में ही ये सर्कमडक्टरी गेट देखने को मिलता है। अगर फेस्टिनेटिंग गेट या फिर शफलिंग गेट हमें दिख रहा है पेशेंट का, तो शफलिंग गेट पार्किंसन में हमें देखने को मिलता है, तो इसलिए जो गेट पैटर्न है उस गेट पैटर्न से हमें बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है पेशेंट के डायग्नोसिस तक पहुंचने में, क्लियर। तो गेट पैटर्न के बाद हमारा अगला है एनी डिफॉर्मिटी, क्या किसी तरह का कोई डिफॉर्मिटी है पेशेंट के बॉडी में। खैर ये डिफॉर्मिटी वाला जो पॉइंट है ये न्यूरोलॉजिकल केसेस में उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, बट जरूरी है, किसी किसी केसेस में ये काम आ जाते हैं, खासकर ये डिफॉर्मिटी वाला जो पोर्शन है ये हमारे ऑर्थोपेडिक केसेस में बहुत ज्यादा काम आते हैं। उसके बाद फिर हम पोस्चर, पोस्चर देखते हैं पेशेंट का कि पोस्चर हमारे पेशेंट का कैसा है, कुछ एबनॉर्मल पोस्चर है या नॉर्मल पोस्चर है। एबनॉर्मल पोस्चर के कारण भी बहुत सारी कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद क्या कोई एक्सटर्नल अपीयरेंसेस, कोई स्प्लिंट वगैरह लगा हुआ है, किसी तरह का कुछ एक्सटर्नल टूल लगा हुआ है हमारे पेशेंट के बॉडी में, वो देखते हैं हम। देन फिर मसल टोन देखते हैं हम,
मसल टोन, मसल का टोन हाई टोन है या फिर लो टोन है, हाइपरटोनिया है या हाइपोटोनिया है, ये हम पेशेंट के बॉडी में चेक करते हैं। देन फिर मसल वेस्टिंग चेक करते हैं कि क्या कोई मसल वेस्टिंग है पेशेंट के बॉडी में। ये सभी चीज़ें से हम बहुत अच्छे से हम ये जान सकते हैं कि किस तरह का केस हमारे पेशेंट के बॉडी में है। क्लियर। उसके बाद इडिमा चेक करते हैं, और इडिमा में भी खासकर क्या लोकेशन है इडिमा का और वो किस टाइप का इडिमा है, ये हम देखते हैं। देन फिर ट्रिमर देखते हैं कि पेशेंट के बॉडी में, पेशेंट के लिम्स में क्या कोई ट्रिमर है। ट्रिमर यानी कि जो शेकिंग होता है, पेशेंट का हाथ थरथराता है, कांपता है, उसे हम ट्रिमर कहते हैं। कि क्या कोई ट्रिमर है पेशेंट के लिम्स में, पेशेंट के अपर लिम हो या लोअर लिम हो या कहीं भी पूरे बॉडी में। देन इन सभी के बेसिस पर हम एक जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट यहाँ पे मेंशन करते हैं कि क्या जनरल कंडीशन है, फेयर, एवरेज, गुड। ये इस तीन कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं कि ओके ओके है या एवरेज है या फिर गुड है। ठीक है, तो ये हमारा ऑन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करने पे हमें पेशेंट को क्या क्या दिख रहा है वो है ये। ऑन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करने के बाद हम एग्जामिन करेंगे पेशेंट को। ऑन एग्जामिनेशन अगला पॉइंट ये आता है, एग्जामिन करने के लिए सबसे पहले हम पेशेंट्स का वाइटल साइंस लेते हैं। वाइटल साइन में बीपी, पेशेंट का टेम्परेचर, पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट, इसके साथ साथ SpO2 लेवल ले सकते हैं, और वेट वगैरह भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, वजन कितना है पेशेंट का, ये सब भी देख सकते हैं। ये वाइटल साइंस लेने के बाद न्यूरोलॉजिकल केसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है वो है ग्लासगो कोमा स्केल, GCS। GCS स्कोर चेक करते हैं हमारे पेशेंट का, GCS स्कोर कितना है। GCS स्कोर के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद हम GCS स्कोर के बाद मेमोरी चेक करते हैं पेशेंट का, कि इंस्टेंट मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, तीनों चेक करते हैं कि पेशेंट का मेमोरी सही है या नहीं है। पेशेंट का स्पीच हम चेक करते हैं क्या कि स्पीच सही है, स्पीच सही से बोल पा रहा है या नहीं है। देन फिर गेट एग्जामिनेशन, लास्ट लेक्चर में मैंने, सॉरी लास्ट स्लाइड में, जस्ट अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था गेट एनालिसिस ऑब्जर्वेशन में, कि हम गेट को ऑब्जर्व करेंगे किस तरह का गेट है। यहाँ पर हमें गेट एग्जामिनेशन यानी कि जो गेट पैटर्न है, उस पैटर्न में किस तरह का, क्या स्टेप लेंथ है, क्या स्ट्राइड लेंथ है, क्या कैडेंस है पेशेंट का। ठीक है, वो हर एक फेज, हील स्ट्राइक, टो ऑफ, ये जो भी है, मिड स्टांस, जो भी हमारा फेजेस है, वो उन सारे फेजेस को सही से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, पेशेंट परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो यहाँ पर चेक करेंगे गेट एग्जामिनेशन के अंदर। गेट एग्जामिनेशन के बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट अब आता है सेंसरी असेसमेंट। सेंसरी असेसमेंट बहुत जरूरी है। सेंसरी असेसमेंट में हमें 2 कैटेगरीज में फिर डिवाइडेड है, सबसे पहला सुपरफिशियल सेंसेशंस एंड सेकेंड वन इज डीप सेंसेशंस। तो सुपरफिशियल सेंसेशंस जो नॉर्मल है हमारा, पेन, टच, टेम्परेचर, हम पेशेंट को प्रिक करेंगे थोड़ा सा स्किन पर, और पेशेंट से हम पूछेंगे कि कहाँ पर हमने प्रिक किया है, बताने के लिए क्या पेन का सेंसेशन पेशेंट के बॉडी में जा रहा है, उसे रिएक्ट कैसे कर रहा है वो देखेंगे। टच सेंसेशन करेंगे, पेशेंट का आंख बंद करेंगे हम, और पेशेंट के स्किन पर स्लाइट टच करेंगे, और फिर पेशेंट को हम कहेंगे बताने के लिए कि हमने कहाँ टच किया है, इससे हमें ये पता चलेगा कि पेशेंट का सेंसेशन सही है या नहीं है। देन फिर उसके बाद टेम्परेचर, हॉट और कोल्ड टेम्परेचर को पेशेंट के स्किन पर, स्लाइट हॉट, स्लाइट कोल्ड टेम्परेचर को पेशेंट के स्किन पर कहीं टच करेंगे, और फिर पूछेंगे पेशेंट से ये क्या टेम्परेचर है, गर्म लग रहा है या ठंडा लग रहा है। तो इससे हम टेम्परेचर सेंसेशन का भी पता कर सकते हैं कि ये टेम्परेचर का जो सेंसेशन है वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं पेशेंट के बॉडी में। देन फिर अब हमारा आता है डीप सेंसेशन। डीप सेंसेशन में सबसे पहले हम प्रेशर प्रेशर अप्लाई करेंगे पेशेंट के बॉडी में, उससे चेक करेंगे, वाइब्रेशन चेक करेंगे। वाइब्रेशन चेक करने के लिए हमारे पास ट्यूनिंग फॉक होना चाहिए, ट्यूनिंग फॉक से हम वाइब्रेशन का असेसमेंट करते हैं, वाइब्रेशन चेक करते हैं हम। क्लियर। उसके बाद हम चेक करेंगे ज्वाइंट पोजिशन एंड काइनेस्थेटिक सेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में, ज्वाइंट पोजिशन और काइनेस्थेटिक सेंस का पता लगाना। ये कैसे चेक करते हैं, तो हम पेशेंट के एक लिम्ब को, पहले पेशेंट का आंख बंद कराएंगे, पेशेंट कुछ देखेगा नहीं, ठीक है, उसके बाद पैसिवली हम पेशेंट के अपर, फॉर एग्जांपल अपर लिम्ब की ही बात कर लेते हैं, पेशेंट के अपर लिम्ब में राइट एल्बो को हमने 90 डिग्री फ्लेक्स किया पैसिवली, पेशेंट को पता नहीं है कि हमने क्या किया है, क्योंकि उसका आंख बंद है, वो कुछ देख नहीं रहा है, बस हमने पैसिवली पेशेंट के राइट एल्बो को 90 डिग्री फ्लेक्स किया। उसके बाद हम पेशेंट को ये कहेंगे कि अब उसका जो लेफ्ट हैंड है उससे बिल्कुल यही पोजिशन अटेंड करने के लिए, उससे बिल्कुल जैसे कि हमने राइट हैंड में किया है पैसिवली, वो एक्टिवली करने को बोलेंगे पेशेंट को, हम लेफ्ट हैंड में बिना देखे हुए, पेशेंट देखेगा नहीं कि उसका हाथ कैसे है। ठीक है, अगर उसने ये परफॉर्म कर लिया देन उसका कैनेस्थेटिक सेंस बहुत अच्छा है, सही है, पॉजिटिव है। अगर नहीं किया ऐसा पेशेंट, तो फिर उसका कैनेस्थेटिक सेंस लॉस है। यानी कि मोटा मोटा बात करें तो पेशेंट
का जो ज्वाइंट रिसेप्टर्स है वो काम नहीं कर रहा है, कि वो किस तरह से उसका ज्वाइंट फंक्शन किया है, क्या ज्वाइंट पोजीशन है, वो पेशेंट को पता नहीं चल पा रहा है। जनरली हमने अगर हाथ आंख बंद कर रखा है तो हमारा क्या मूवमेंट हो रहा है हम जानते हैं, बिना देखिए भी हम ये समझ सकते हैं कि हमने अभी अपना हाथ मोड़ा है, हमने अपना पैर मोड़ा है, हमने अपना गर्दन घुमाया है, ये सब कुछ। पर अगर ज्वाइंट रिसेप्टर सही से काम ना करे, प्रोप्रियोसेप्टर सही से काम ना करे, ठीक है, तो फिर उस कंडीशन में हम ये नहीं जान पाएंगे कि हमारा पोजीशन क्या है बिना देखे हुए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट असेसमेंट का तरीका है न्यूरोलॉजिकल केसेस में। सेंसरी असेसमेंट के बाद हमारा अगला आता है, सॉरी सेंसरी असेसमेंट में ही हमने अभी दो देख लिया अभी तक। सबसे पहले हमने सुपरफिशियल देखा, डीप देखा। अब हमारा तीसरा सेंसरी असेसमेंट आता है कंबाइंड कॉर्टिकल सेंसेशन। क्लियर? कंबाइंड कॉर्टिकल सेंसेशन में सबसे पहला हमारा है टैक्टाइल लोकलाइजेशन। टैक्टाइल लोकलाइजेशन इसमें क्या करना है कि हमारे पेशेंट के स्किन सरफेस पे अलग अलग जगह हमें अपने फिंगर से टच करना है और पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है लोकेशन की हमने कहाँ टच किया है। ये पेशेंट का आंख बंद करके रहेगा, पेशेंट कुछ देखेगा नहीं। क्लियर? उसके बाद अगला हमारा है स्टीरियोग्नोसिस या फिर ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम कुछ फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स, पेशेंट का आंख बंद करा के कुछ फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स पेशेंट के हाथ में देते हैं और उसे हम आंख बंद करके ही ये पहचानने को बोलते हैं कि ये क्या हमने दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई पेंसिल दे दिया पेशेंट का आंख बंद करा के, हमने पेशेंट के हाथ में पेंसिल दे दिया, अब उसे ये रिकोगनाइज करना है हमारे पेशेंट को कि वो पेंसिल है या क्या है, वो पेशेंट हमें बताएगा। क्लियर? तो ये हमारा है स्टीरियोग्नोसिस। अब नेक्स्ट हमारा है टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पेशेंट के स्किन सरफेस पे बहुत कम डिस्टेंस पे दो स्टिमुली एक साथ देते हैं। ठीक है, दो स्टिमुलस एक साथ देते हैं और इक्वल प्रेशर से देते हैं, साइमल्टेनियसली एंड विथ इक्वल प्रेशर। और फिर उसके बाद हम पेशेंट से ये पूछते हैं कि क्या फील हो रहा है, कोई एक स्टिमुलस फील हो रहा है पेशेंट को या फिर दो स्टिमुलस फील हो रहा है या फिर कुछ फील ही नहीं हो पा रहा है। इसे हम टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। बेसिकली फिर से बता दे रहा हूँ कि बहुत छोटे डिस्टेंस पर हम दो स्टिमुलस एक साथ देते हैं विथ इक्वल प्रेशर, साइमल्टेनियसली एंड विथ इक्वल प्रेशर, एंड देन वी आस्क द पेशेंट कि वहां पर कितना सेंसेशन, कितना स्टिमुलस पेशेंट को फील हो रहा है, कोई एक सेंसेशन फील हो रहा है या फिर दो सेंसेशन फील हो रहा है। क्लियर? उसके बाद अगला हमारा आता है डबल साइमल्टेनियस स्टिमुलेशन। डबल साइमल्टेनियस स्टिमुलेशन क्या होता है, ये भी टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन के जैसा ही है, पर यहाँ पे फर्क क्या है कि टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन में हम एक ही सरफेस पे एक साथ दो स्टिमुलस दे रहे थे पेशेंट को। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पेशेंट का अगर फोर आर्म है, मान लीजिए ये अगर पेशेंट का फोर आर्म है, तो एक स्टिमुलस यहाँ और एक स्टिमुलस यहाँ, एक साथ हम इन दोनों पॉइंट पर स्टिमुलस देंगे और विथ इक्वल प्रेशर देंगे। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि एक पे ज्यादा प्रेशर से देंगे, एक पे कम प्रेशर से देंगे, दोनों पे इक्वल प्रेशर से हम स्टिमुलस देंगे और फिर पेशेंट से पूछेंगे कि क्या सेंसेशन हो रहा है, एक का हो रहा है या दो का सेंसेशन हो रहा है। पर डबल साइमल्टेनियस स्टिमुलेशन में हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ भी दो स्टिमुलस देना है, साथ साथ देना है, सेम प्रेशर से देना है, पर ये जो डिस्टेंस है दोनों का वो ज्यादा होगा। वो कैसे? डबल साइमल्टेनियस स्टिमुलेशन में हम एक सेंसेशन जहां देंगे उसके जस्ट अपोजिट साइड में दूसरा सेंसेशन देंगे। अगर हमने अपने फोर आर्म के प्रॉक्सिमल सेगमेंट पे एक सेंसेशन दिया है तो दूसरा सेंसेशन हमारे फोर आर्म के डिस्टल सेगमेंट पे देना है। अगर हमने एंटीरियर में दिया है तो पोस्टीरियर में दिया है हमें देना है। लेटरल में दिया है हमने एक सेंसेशन तो दूसरा मीडियल में देना है, ऐसे हमें देना है। ठीक है, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन में क्या था कि दोनों स्टिमुलस के बीच का डिस्टेंस काफी कम था, पर डबल साइमल्टेनियस स्टिमुलेशन में हमें क्या करना है कि जो दो सेंसेशन, जो दो स्टिमुलस होंगे उसे अपोजिट देना है। अगर हम एक स्टिमुलस हम प्रॉक्सिमल पार्ट पे दे रहे हैं तो दूसरा स्टिमुलस हमें डिस्टल पार्ट पे देना है। देन उसी तरह से हम लेटरल मीडियल कर सकते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर कर सकते हैं। तो हमें ये चेक करना है और फिर हमें सेम चीज पूछना है पेशेंट से कि कितना स्टिमुलस पेशेंट को फील हो रहा है, कितना सेंस कर पा रहा है हमारा पेशेंट। क्लियर? तो ये हमारा सेंसरी असेसमेंट हुआ। सेंसरी असेसमेंट के बाद अगला हमारा आता है मोटर असेसमेंट, मोटर एग्जामिनेशन। मोटर एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम मसल टोन चेक करेंगे पेशेंट का, कि मसल टोन कैसा है पेशेंट का, हाइपरटोनिया है, हाइपोटोनिया है, स्पास्टिक है, फ्लासिड है। क्लियर? ये मसल टोन हमें देखना है। देन फिर वॉलेंट्री कंट्रोल, पेशेंट का वॉलेंट्री कंट्रोल कैसा है, कि वो वॉलेंट्रीली सारा मूवमेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो देखना है। क्या कोई मसल टाइटनेस है पेशेंट के मसल्स में। देन फिर बहुत इंपॉर्टेंट एमएमटी चेक करना है हमारे हमारे पेशेंट के मसल्स का, में मैनुअल मसल टेस्टिंग चेक करना है कि जो मसल है उस मसल का पावर क्या है।
इसके बाद हमें आना है क्रैनियल नर्व एग्जामिनेशन। जितने भी क्रैनियल नर्व्स हैं उन क्रैनियल नर्व्स का एग्जामिनेशन करना है। इस क्रैनियल नर्व एग्जामिनेशन पे अगर कोई दिक्कत होगा तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो बता दूंगा विथ एक्सप्लेनिंग कि हम कैसे असेसमेंट करते हैं, कैसे हम एग्जामिन करते हैं क्रैनियल नर्व्स के बारे में, कि हर एक क्रैनियल नर्व्स को हम कैसे एग्जामिन करेंगे। क्लियर? तो क्रैनियल नर्व्स का एग्जामिनेशन करना है। उसके बाद हमें रिफ्लेक्स पे आना है। रिफ्लेक्स दो तरह का रिफ्लेक्स हमारे पास है, सुपरफिशियल और डीप रिफ्लेक्स। सुपरफिशियल रिफ्लेक्स जैसे हमारा कॉर्नियल रिफ्लेक्स है, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स है, गैग रिफ्लेक्स है, बबिन्स की रिफ्लेक्स है जिसे बबिन्स की साइन भी कहते हैं, तो ये कुछ सुपरफिशियल रिफ्लेक्स है, ये हमें चेक करना है। डीप रिफ्लेक्स चेक करना है जैसे बाइसेप जर्क, ट्राइसेप जर्क, ब्रैकियोरिडियल जर्क, नी जर्क, एंकल जर्क, इन सभी चीजों को चेक करना है और फिर देखना है कि कौन सा रिफ्लेक्स पॉजिटिव और कौन सा निगेटिव आ रहा है। देन फिर हमें पेशेंट का बैलेंस टेस्ट करना है, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन टेस्ट भी इसके साथ साथ करना है। यहाँ पे मैंने मिस कर दिया लिखना, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन टेस्ट करना है। इसमें हमें बैलेंस में चेक करना है कि क्या बैलेंस पेशेंट का कैसा है, नॉर्मल है, गुड है, फेयर है, या फिर बिल्कुल ही बेकार बैलेंस है पेशेंट का। कोऑर्डिनेशन करना है कि पेशेंट अपने बॉडी का जो पार्ट है, अपने लिम्स का कोऑर्डिनेशन सही से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो हमें बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन टेस्ट करना है पेशेंट के। आफ्टर द बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन टेस्ट अब हमें आना है फाइनली हमारे स्पेशल टेस्ट। अगर हमें कुछ स्पेशल टेस्ट करना है हमारे पेशेंट के लिए तो हम उस स्पेशल टेस्ट पे आएंगे कि स्पेशल टेस्ट करके हम अपने कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। उसके बाद हमें इन्वेस्टिगेशन, अगर हमें सीटी, एमआरआई, एक्सरे इन सभी का हेल्प लेना है तो वो यहाँ पर हम प्रेफर कर सकते हैं। देन फिर हमें आना है अपने फाइनल डायग्नोसिस पे। फाइनल डायग्नोसिस, यहाँ पर अभी तक हमने जितना कुछ भी पेशेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, वो डेमोग्राफिक डेटा, एग्जामिनेशन, ऑब्जर्वेशन, हिस्ट्री, उन सभी बेसिस पे, उन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें फाइनल डायग्नोसिस पे आना है कि फाइनल डायग्नोसिस पेशेंट का क्या है। ठीक है, और इसे बहुत अच्छे से सोच कर तब फाइनल डायग्नोसिस पे हमें आना है। देन फिर हमें अगला हमारा है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में हमें होम प्लान जरूर देना है पेशेंट को कि पेशेंट को घर पे खुद से क्या क्या एक्सरसाइजेस वगैरह करने हैं, क्या क्या एक्टिविटीज करने हैं, वो हमें देना है। अच्छा हाँ, एक और चीज, सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज मैं मिस कर गया। ये जो हमारा एग्जामिनेशन वाला पोर्शन है, इसमें हमें एक और चीज चेक कर सकते हैं कि एडीएल में क्या कोई तकलीफ आ रही है पेशेंट को, एक्टिविटीज इन डेली लाइफ, क्या जो डेली नॉर्मल एक्टिविटीज होता है उसमें कोई तकलीफ आ रही है या नहीं आ रही है पेशेंट को, वो भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं पेशेंट से काम करा कर थोड़ा बहुत। क्लियर? चलिए, तो अब हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हमें हमारे हमारा एम क्या है प्रोटोकॉल, हमारे एम क्या है ट्रीटमेंट का, सबसे पहला प्राइमरी एम क्या है। उस एम के अकॉर्डिंग हम अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिजाइन करेंगे, उसमें एक्सरसाइजेस वगैरह ऐड करेंगे, इलेक्ट्रोथेरेपी के जो भी मशीन अगर हमें कुछ यूज करने हैं, मॉडेलिटीज यूज करने हैं, तो वो फिर उसमें हम ऐड करेंगे। इसके साथ साथ हम होम प्लान देंगे, हम होम ट्रीटमेंट प्लान देंगे। इसमें फिर हम जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होगा उसमें हम रिलैक्सेशन के लिए दे सकते हैं रिलैक्सेशन। उसके बाद फिर हम फ्लेक्सिबिलिटी सही करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छा करने के लिए हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिजाइन कर सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग के लिए कर सकते हैं, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए कर सकते हैं। हर एक चीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिजाइन करेंगे। क्लियर? तो ये हुआ आपका न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो, कुछ भी तकलीफ हो तो बिल्कुल पूछिएगा, कमेंट में पूछ लीजिए या फिर हमारे इंस्टा पर हमें डीएम कर लीजिए। आई विल ट्राई कि मैं आप सभी को जो भी डाउट है वो डाउट क्लियर कर सकूँ। क्लियर? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला लेक्चर हमारा गोनियोमीटर पर होगा। हमारा गोनियोमीटर का जो अपर लिम का, फोरआर्म का और एल्बो ज्वाइंट का मेजरमेंट के बारे में हम जानेंगे अगले लेक्चर में विथ प्रैक्टिकल। क्लियर? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग।